Hello everyone, welcome back to Sscmathon. Geometry ka previous question se chal raha hai ye kawaita hai SSC CGL 2016 mein puchha gaya. In triangle ABC and triangle DEF, if angle A equals to 50 degree, angle B equals to 70, C equals to 60, D equals to 60, E equals to 70, F equals to 50. ध्यान से सुनना, हम लोगों को क्या चेक करने के लिए बोला गया कि किस तरीके से किस सीक्वेंस में ये दोनों क्या हो जाएगा? सर ये दोनों आपका सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा. तो ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा है DEF. ठीक है, तो अभी समझते हैं. पहले देखो ABC नाम दे दिए, तो ABC के हिसाब से लिखेंगे. A के वैल्यू है 50, B का वैल्यू है 70, C का वैल्यू है 60. सिमिलरली तो यहाँ पे सर DEF लिख लेते हैं. सर DEF लिख लेते हैं, तो D का वैल्यू है 60 और यहाँ पे E का वैल्यू है 70. और ये क्या हो जाएगा सर, E को इधर ना लिख के इधर लिख लेते हैं. 70 के जगह पे 70 लिख रहे, तो 70 और F का वैल्यू है 50, तो F का वैल्यू है 50. तो सर ABC के साथ आपको सिमिलरिटी क्या मिल रहा है सर, FED. सर ABC के साथ ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा, FED. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास.